नमस्कार, विजिट इंडिया ट्रेवल चैनल पर आपका स्वागत। यहाँ के किले की प्रशंसा कर्नल टॉड ने भी की है। बंदड़ा के इतिहास तो एक बहुत ही उज्जवल इतिहास रहा हमेशा। हम आज भी मेवाड़ के प्रति वही स्वामी भक्ति का परिचय देते हैं। पूरे विश्व में बंदड़ा का नाम है। बंदड़ा में रौनक और चहल पहल थी, आपसी सौहार्द। इस धरोहर को बचाने के लिए जीर्णोद्धार कराया। बनेड़ा सुरम्य पहाड़ियों से घिरा एक कस्बई शहर, एक तरफ ऐतिहासिक दुर्ग तो दूसरी तरफ प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राम सरोवर, बीच में बसी है बस्ती। ऊंची नीची चौड़ी सकड़ी गलियां, बाजार और चौक चौराहे, प्राचीन देवालय भी है तो कलात्मक कुंड बावड़ियां भी। राजस्थान के भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से केवल 25 किलोमीटर दूर स्टेट हाईवे नंबर 12 पर स्थित बनेड़ा का अपना अलग इतिहास है। यहाँ एक गढ़ीनुमा दुर्ग पर बने प्राचीन महल आज भी लगभग अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है और स्वर्णिम अतीत के गीत गुनगुनाते हैं, इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करते हैं, आमंत्रित करते हैं। हालांकि ये महल सूने हो गए हैं, पर इन्हें निकट से देखने पर, भीतर प्रवेश करने पर आज भी इनके दरों दीवारों से अतीत की गूंज अनुगूंज सुनाई पड़ती है। समुद्र तल से 1900 फुट ऊंची पहाड़ी पर तत्कालीन जागीरदारों द्वारा बनवाए गए इन महलों के चारों तरफ दोहरा तिहरा परकोटा है। रजवाड़ों के जमाने में बनेड़ा राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र की जागीरों में से एक था।
प्राचीन काल से ही यह मेवाड़ के अंतर्गत माना जाता है। इससे पहले कि हम बनेड़ा के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करें, आइए यहाँ की ऐतिहासिक घटनाओं पर डालते हैं एक नज़र। बात बहुत पुरानी है। सन 1681 के लगभग औरंगजेब ने राणा राजसिंह प्रथम के एक कनिष्ठ पुत्र भीम सिंह को यह जागीर प्रदान की। बनेड़ा राज्य के संस्थापक राजा भीम सिंह का जीवन अनेक वीरता भरी घटनाओं से परिपूर्ण रहा। उनका जन्म विक्रम संवत 1710 पोष कृष्णा एकादशी की रात्रि को हुआ। इनके जन्म के कुछ समय पश्चात राजकुमार जयसिंह का भी जन्म हुआ। जिस समय इन दोनों राजकुमारों के जन्म की सूचना देने सेविकाएं पहुंची, उस समय मेवाड़ महाराणा राजसिंह सो रहे थे। जयसिंह के जन्म की सूचना देने वाली सेविका पैरों की ओर तथा भीमसिंह के जन्म की सूचना देने वाली सिरहानी की ओर खड़ी हो गई। जब महाराणा जागे तब उनकी दृष्टि प्रथम महारानी पुवार की सेविका की ओर गई। तब उसने निवेदन किया, महारानी पुवार के गर्भ से राजकुमार का जन्म हुआ है। फिर मस्तक की ओर खड़ी महारानी चौहान की सेविका ने प्रार्थना की, महारानी चौहान के गर्भ से राजकुमार का जन्म इससे पहले हुआ है। महाराणा ने कह दिया, जिसके जन्म की सूचना हमें पहले मिली उसी को हम बड़ा मानेंगे, जिसकी सूचना बाद में मिली उसको छोटा मानेंगे। महाराणा राजसिंह के उक्त निर्णय का उस समय कोई विशेष महत्व नहीं था, क्योंकि भीम सिंह तथा जयसिंह के जन्म से पूर्व दो राजकुमार सुल्तान सिंह और सरदार सिंह जीवित थे। उनकी जीवित दशा में भीम सिंह अथवा जयसिंह को युवराज पद मिलना नितांत असंभव था। देवयोग से सुल्तान सिंह तथा सरदार सिंह की मृत्यु हो गई। तब युवराज पद की समस्या उत्पन्न हुई। चूंकि महाराजा राज सिंह जन्म के समय जय सिंह को ज्येष्ठ घोषित कर चुके थे, अतएव वह अपने वचन पर दृढ़ रहे और उन्होंने जय सिंह को पांचवी राजकुमार बना दिया। राजकुमार भीम सिंह ने नतमस्तक हो पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कर अपनी पितृभक्ति का अनुपम परिचय दिया। आजीवन वह उस आज्ञा का पालन दृढ़तापूर्वक करते रहे। महान मेवाड़ राज्य के उपभोग के प्रलोभन में आकर कोई ऐसा कार्य जिससे पिता की आज्ञा भंग होती हो, उन्होंने नहीं किया। मेवाड़ राज्य को तिनके के समान समझ त्याग दिया। यहाँ तक कि इस राज्य से उन्होंने कोई जागीर भी ग्रहण नहीं की। उनका यह त्याग मेवाड़ राजवंश के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाने योग्य है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शाहपुरा के राजा उमेद सिंह ने भीम सिंह के वंशजों को बनेड़ा से निकाल दिया और तत्पश्चात उदयपुर के राणा राज सिंह द्वितीय की सहायता से बनेड़ा के जागीरदारों ने इसे पुनः प्राप्त किया। तभी से जागीरदार उदयपुर के सामंतों में माने जाने लगे। इन जागीरदारों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे जो तत्कालीन उदयपुर रियासत के अन्य अभिजात वर्गों को प्राप्त नहीं थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था बनेड़ा के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार के समय उदयपुर से सहसम्मान एक तलवार भेजा जाना, जिसे प्राप्त करने के बाद वे अधिष्ठापन के लिए उदयपुर जाते थे। जब बनेड़ा के राजा उदयपुर जाते तो मेवाड़ महाराणा नियत स्थान पर अगवानी करने आते थे तथा विदाई के समय उनके निवास पर विदाई देने स्वयं महाराणा आते थे। हम जिस महापुरुष के वंशज हैं, उन्होंने मेवाड़ के इतिहास में एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है। ज्येष्ठ भ्राता होते हुए भी उन्होंने मेवाड़ की राजगद्दी को त्यागा। उनके पिता महाराणा राज सिंह जी की आज्ञा के अनुसार, और जब महाराणा राज सिंह जी को यह बहम हुआ कि जिसको मैंने छोटे को बड़ा बनाया जय सिंह को, और भीम सिंह जो है हर काम के अंदर उससे आगे है, तो उन्होंने भीम सिंह जी को बुलाकर और ये कहा कि जा मेरी तलवार ले और तेरे छोटे भाई का वध कर ले। तो भीम सिंह जी ने कहा कि पिताजी, ऐसा कौन सा कृत्य किया है इसने कि आप ऐसी बड़ी सजा दे रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं किया, लेकिन मुझे वहम है कि मेरी मृत्यु के बाद में
तुम दोनों भाई आपस में लड़ोगे, क्योंकि तू जानता है भीम सिंह कि तू जय सिंह से उम्र में बड़ा है, और अपने सिसोदिया वंश की परंपरा रही है कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राजगद्दी का हक मिलता है। तो पुत्र भीम सिंह ने कहा कि बस इतनी सी बात है कि हाँ यही है। उन्होंने उसी वक्त जल मंगवाया, हाथ में जल लिया और पिता के सामने प्रण लिया जल डालकर कि आपकी मृत्यु के पश्चात, आपके दाह संस्कार के बाद मैं उदयपुर शहर में पानी भी नहीं पीऊँगा। उनका ननिहाल बेतला था महाराणा राज सिंह जी को, और उनके दाह संस्कार के बाद में भीम सिंह जी और चले गए अपने ननिहाल बेतला। 6 महीने के अंदर ही सभी मेवाड़ के उमराओं ने मिलकर, मेवाड़ के मेहता मसूदियों ने मिलकर और परेशान होकर महाराणा जय सिंह जी को मनाया कि औरंगजेब से संधि कर लीजिए। जब औरंगजेब से मेवाड़ की संधि हो गई तब हमारे पूर्वज भीम सिंह जी और जय सिंह जी के पास में गए। इन 6 महीनों के अंदर जय सिंह जी ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की कि भीम सिंह जी को मैं इतनी जागीर दे दूं, क्योंकि वैसे तो महाराणा के छोटे भाई को केवल 3 गांव जागीर में दिए जाते थे, 2 या 3 गांव। लेकिन जय सिंह जी की इच्छा हुई कि आप जो चाहो, जो जितनी बड़ी जागीर ले लो, लेकिन भीम सिंह ने कहा कि मैं तो पिताजी को ये वचन दे चुका हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कर। और जब इन्होंने संधि कर ली औरंगजेब से, तो भीम सिंह जी आए जय सिंह जी के पास में, उनसे विदाई लेकर मांडल आए। मांडल उस समय और मुगलों के अधीन था, यहाँ सिपे सल्लार रहता था। उसको कहा कि उनको मालूम था कि औरंगजेब, बादशाह औरंगजेब अजमेर में मुकाम कर रहे हैं, कि कहा कि जाओ और बादशाह को इतला करो कि मैं भीम सिंह राज सिंह जी का राजकुमार हूँ, महाराणा राज सिंह का, और मैं उनकी सेवा माना चाहता हूँ। वैसे ही जैसा ये मालूम पड़ा, घुड़सवार अजमेर गए और तीसरे दिन वापस आकर कहा कि बादशाह ने आपको ये आदेश दिया है कि आप अपने परिवार को बनेड़ा छोड़कर और सीधे अजमेर आ जाएं। तो 8-10 दिन बाद ही वो मांडल से आए बनेड़ा, अपने परिवार को यहाँ पर छोड़कर और सीधे गए, और पहले ही दिन बादशाह ने उनको बनेड़ा परगना, उसके साथ साथ में उज्जैन के पास में बदनावर परगना और 3,000 का मनसब जो बाद में 5,000 को का हुआ वो दिया, बीच में उनको 12 परगना भी दिया, और एक बार तो जयपुर के महाराजा से खिन्न होकर औरंगजेब ने उनका मालपुरा परगना छीन कर और भीम सिंह जी को दे दिया था। काफ़ी समय तक उनके पास में रहा, लेकिन फिर औरंगजेब को, बादशाह को खुश करके मनाकर और वापस मालपुरा और जयपुर को सौंप दिया गया। इस वजह से आज दिन तक हमारे परिवार ने मेवाड़ की 1 इंच भी भूमि जागीर के रूप में, बख्शीश के रूप में हमारे पास में नहीं है। हालांकि हमारे एक गांव था रीछड़ा, जो महाराणा भूपेंद्र सिंह जी ने जब्त कर लिया था, लेकिन महाराणा राजा भीम सिंह जी की 4थी पीढ़ी में राजा सरदार सिंह जी के समय ऐसा एक जो है संकट आया कि हमें राजा सरदार सिंह जी को महाराणा मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। उसके पश्चात ही हम महाराणा मेवाड़ के जागीरदार के रूप में और उमराओं से भिन्न हमारी बहुत सारी विशेषताएं हैं, हम आज भी मेवाड़ के प्रति वही जो है स्वामी भक्ति का परिचय देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बनेड़ा में स्थित ऐतिहासिक दुर्ग का निर्माण राजा सरदार सिंह ने ज्येष्ठ बुद्धि छठ विक्रम संवत 1792 में प्रारंभ करवाया। राजा राय सिंह जो बहुत जनप्रिय थे, उन्होंने गांव की अच्छी सुरक्षा के लिए अपने मूल पुरुष महाराणा राज सिंह के नाम से राजपुर बनेड़ा बसाया, जो वर्तमान में स्थित है।
मेरा नाम दलपत सिंह है, मैं बंदेड़ा का चुटभाई हूँ। वैसे बंदेड़ा कस्बे का तो इतिहास बहुत पुराना रहा है, क्योंकि बंदेड़ा कस्बा पहले राणा सांगा के ससुर कर्मचंद कुमार के रहा, उसके बाद वापस केंद्र में मतलब दिल्ली के बादशाहों के अंडर में चला गया। उसके बाद में फिर हमें राजा भीम को मिले हुए बंदेड़ा करीब 340 वर्ष के लगभग हो गया। और बंदेड़ा के इतिहास तो एक बहुत ही उज्ज्वल इतिहास रहा हमेशा, और जिसमें ख़ास तौर से राजा भीम का तो इतना अच्छा उज्ज्वल इतिहास रहा कि जो एक भूमिहीन राजा को औरंगजेब उनकी वीरता पर इतना मोहित होकर और प्रथम मुलाकात में उनको पंचजारी खिताब दिया, जबकि जयपुर जोधपुर वगैरह ऐसे महान थे और करोड़ों बीघा के भूस्वामी होते हुए भी उनको भी पंचजारी खिताब और एक बिल्कुल भूमिहीन राजा को भी पंचजारी खिताब, तो इससे प्रतीत होता है कि औरंगजेब उनकी वीरता पर कितना मोहित था। इस तरह सारे राजाओं का इस बंदेड़ा का इतिहास बहुत ही उज्ज्वल रहा है। 11 मई 1967 को राजाधिराज अमर सिंह जी का स्वर्गवास हुआ और राजाधिराज हेमेंद्र सिंह जी 24 मई 1967 को बनेड़ा के राजवंश की गद्दी पर आसीन हुए। बनेड़ा राजवंश की वृक्षावली इस प्रकार है। किले में प्रवेश होते हैं तब सबसे पहला सिलेगढ़ है, उसके बाद नगारखाना का दरवाज़ा है, उसके बाद पाला किला है। फिर अंदर चलते हैं तो इस किले के दो भाग हो जाते हैं, उधर जनानी डोडी इधर मर्दानी डोडी, उसके पास में ही कंवरपदों के महल हैं। बाला किले के ऊपर जो भी बिल्डिंग है उसमें पूरी भी लाइब्रेरी और मैगजीन बनी हुई है। हर महल का नाम हर राजा के नाम से है यहाँ, जैसे ये अमर निवास है तो इसी तरह गोविंद निवास भी है, अक्ष निवास भी है, बादल महल भी है, जो जिस राजा ने सरदार वगैरह जो भी जिस जिस राजा ने जो जो चीज़ बनाई है उन्हीं के नाम से वो आज भी प्रचलित है। ये जनानी डोडी और ये सारे जनानी महल हैं। ये इधर तो जनानी महल है, इधर ये कौर कदों के महल है और इधर ये राजाओं के महल है।
और यहाँ के किले की प्रशंसा कर्नल टॉड ने भी की है, और एक बिशप हैबर आया था 1825 में, उसने भी की है। यहाँ का किला जोधपुर स्थापत्य का है, क्योंकि यहाँ के राजा यहाँ के राजकुमार का विवाह जोधपुर के महाराजा अभय सिंह से हुआ था। यहाँ कई राजवंशों का राज रहा, हाड़ाओं का, महाराणा कर्ण सिंह के लड़के का, राठौड़ों का, कईयों का, भीम सिंह के पहले इमीडिएट के पहले यहाँ बीकानेर का राजा था, उसको अकबर ने जागीर में दे रखा था। मेवाड़ से बनेड़ा अकबर के समय अलग हो गया था, मेवाड़ ने जीत लिया था। हालांकि अब इन महलों में कोई नहीं रहता, लेकिन इनके भीतर संग्रहित वस्तुओं में शामिल कलाकृतियां एवं चित्राकृतियां देखते ही बनती है। राजा सरदार सिंह ने इस दुर्ग में सरदार निवास महल बनवाया, चांदपोल की तरफ सरदार विलास बाग लगवाया। इनकी रानी नरूकी जी ने चतुर्भुज नारायण का मंदिर और उसके सामने कुंड बनवाया। राजा उदय सिंह के समय बनेड़ा दुर्ग में एक शीश महल बना, श्रृंगार बुर्ज का निर्माण हुआ।
राजाधिराज अमर सिंह ने दुर्ग में अमर निवास नामक सुंदर और भव्य महल बनवाया। विक्रम संवत 1985 में दुर्ग में प्रताप निवास बनवाया, दुर्ग के जीर्ण महलों का जीर्णोद्धार किया और दुर्ग को कलात्मक सुंदरता प्रदान की। उनकी रानी चंद्रकांता कुमारी ने बनेड़ा में चंद्रकांता कन्या पाठशाला के लिए भी एक भवन बनवाया। बनेड़ा के चरण पखारता राम सरोवर यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगाता है। बस्ती से लगे सरोवर के किनारे हरा भरा नजरबाग और उसके भीतर बनी है संगमरमर की मानिंद सफ़ेद सुंदर अक्षय भवन कोठी, जिसका निर्माण राजा अक्षय सिंह ने विक्रम संवत 1954 में करवाया था। यहीं रहते हैं बनेड़ा राज परिवार के वर्तमान राजाधिराज श्री हेमेंद्र सिंह जी और उनके भ्राता श्री पराक्रम सिंह जी। नजरबाग में पेड़ पौधों की हरियाली और रंग बिरंगे फूलों की फुलवारी का सौंदर्य देखकर मन झूम उठता है। यहाँ एक हजारेश्वर शिव मंदिर भी है। बनेड़ा में अनेक देवालय हैं जिनमें जैन मंदिर एवं चारभुजा मंदिर प्रमुख है। जैन मंदिर में ऋषभदेव की प्रतिमा है, जिसकी प्रतिष्ठा राजा हमीर सिंह द्वितीय के शासनकाल में विक्रम संवत 1840 में हुई थी। इसके अलावा मंदिर में कुल 12 छोटी बड़ी प्रतिमाएं हैं। मंदिर की भीतरी और बाहरी दीवारों पर भित्ति चित्र भी अंकित है। Thank you.
जैन मंदिर के पास है चारभुजा मंदिर। ये दोनों देवालय समकालीन है। चारभुजा मंदिर के सामने एक जल कुंड भी बना हुआ है। वैसे यहाँ के कुंड बावड़ियों में चौकी बावड़ी, बैजीराज की बावड़ी, खारा कुंड और मानकुंड प्रमुख है। मानकुंड बड़ा ही प्राचीन कुंड था और देखा जाए तो ये हमारी एक धरोहर थी। इस पूरा पूरा कुंड खुला हुआ था कि इस धरोहर को बचाने के लिए पूरी चार दीवारी बनवाई और बाढ़ से कुंड डिग सके इसलिए रेलिंग वाली ये लगवाई ताकि कोई भी आए आदमी तो उसको दिख सके भाई ये हमारी धरोहर। तो हर वर्ष गणगौर की सवारी पहले किले से आती थी, अब हमारे बाग से आती है। काफ़ी मेला पड़ता है, कुंड पे आती है, लोग आते हैं फिर देखते हैं और विशेष करके जल जुल्ली ग्यारस के ऊपर करीब 21 जवान यहाँ पधारते हैं और उनकी पूजा अर्चना होती है और वापस जाते हैं। उस लिहाज से भी इस कुंड का बहुत अच्छा महत्व है। इसके साथ हमारा एक छोटा सा खारिया कुंड है, उसका भी जीर्णोद्धार कराया। तालाब की पाल पे सब्जी मंडी बना के व्यवस्था एक ढंग से सभी सब्जी वाले अपना कर सकते हैं। नया बस स्टैंड का विकसित किया, वहाँ दुकानें बनवाई जो ठेले पड़े हुए थे, बसों के आवागमन के लिए बनाया, यात्री विश्राम गृह बनाया। हमारे एक ही तालाब है तो इसकी आवें सब क्षतिग्रस्त थी, तो सब आवों को दूसरी कराई। जो रावण की बंगरी है उस पर मैंने पौधारोपण किया, करीब 1500 पेड़ लगाए। छात्रावास के पास भी पेड़ लगवाए, वो भी चल रहे हैं। शहर के भीतर निर्मित अन्य मंदिरों में श्री श्याम बिहारी जी का मंदिर, श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, श्री झालरा महादेव मंदिर, श्री नरसिंह माताजी मंदिर, श्री सत्यनारायण मंदिर, रघुनाथ द्वारा श्री कीचक महादेव मंदिर आदि दर्शनीय है। शहर के भीतर एक मस्जिद भी बनी हुई है जिस पर हाल ही में नव निर्माण कार्य करवाया गया। यह मस्जिद देखने में बहुत आकर्षक है। शहर से बाहर की तरफ बने घाटी के हनुमान जी और गोंदी के हनुमान जी नामक देवस्थल भी प्रसिद्ध है, जहां धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। जोगियों का बाग में संत गहनीनाथ जी ने जीवित समाधि ली थी। माता जी का खेड़ा में चावंडा माता का मंदिर है। महासतिया जी में दिवंगत राजाओं की समाधियां और छत्रियां बनी हुई है। Thank you.
कनाडा में मेवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले शिक्षा, बिजली सबसे पहले राजाधिराज अमर सिंह जी लाए थे। बनेड़ा गांव अपने आप में एक रमणीक स्थल है। पुराने राजा महाराजाओं ने गांव के लिए पीने के लिए, पानी के कुओं के स्रोत बढ़ाने के लिए, सिंचाई के लिए, इन सब के लिए गांव को बहुत अच्छा, सुंदर और रमणीक बनाया। बनेड़ा गांव में एक जैन मंदिर है जिनमें जो महावीर स्वामी की मूर्तियां जो बनी हुई है, विश्व में ऐसी मूर्तियां नहीं है। इसलिए बनेड़ा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत संपूर्ण परिपक्व है, चाहे व्यापार में ले लो, राजनीति में ले लो, पर्यावरण में ले लो। आज हमारे मोक्ष धाम में, आज हमारे चरागाह में दुनिया भर के पेड़ पौधे लगे। उसके अलावा माइंस में ले लो आप, भूगर्भ में, माइंसों में, बनेड़ा अपने आप में एक महत्वपूर्ण गांव है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो बनेड़ा के आसपास लोहा अयस्क के अच्छे भंडार पाए गए हैं। जस्ता, मार्बल तथा गार्नेट की भी खदानें हैं। गार्नेट बहुत निकलता था बनेड़ा में, और उस वक्त जो बनेड़ा का पत्थर कल्ली आरास का पत्थर, वो जो है जितने भी ये सलावट लोग थे वो कल्ली आरास पीसते थे, और वो कल्ली आरास से मकानों के ऊपर वो बनाया करते थे। वो बनेड़ा के पत्थर से ही बनता था, जो तरनी भंडी के पास से निकलता था, जहाँ आजकल मार्बल की खान निकल रही है। और शिक्षा की दृष्टि से बनेड़ा के निवासी हमेशा जागरूक रहे, यही कारण है कि यहाँ के अनेक परिवार व्यापार व्यवसाय हेतु बड़े शहरों में बस गए, और कई व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य उच्च पदों पर आसीन हो गए। बनेड़ा की मिट्टी में पले बढ़े अनेक व्यक्ति आज न केवल देश के विभिन्न शहरों में बल्कि विदेशों में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सन 1959 से पहले टी बैरिस्टर थे, जिनमें रविशंकर देरासरी, बंशीलाल व्यास व राजकुमार मानसिंह शामिल हैं। इसके अलावा अनेक व्यक्तियों ने डॉक्टर, इंजीनियर, भारतीय प्रशासनिक सेवा व राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनकर अपनी सेवाएं दी। शिक्षा में अग्रणी था बनेड़ा। जैसे ये डॉक्टर पानगड़िया जो न्यूरो सर्जन है, उनके पिता भी यहाँ पढ़े, बाललाल पानगड़िया सुवाना के रहने वाले थे, लेकिन उनका ननियाल बनेड़ा था। ऐसे एक जसवंत सिंह लोढ़ा, जिनके लड़के को वो कलकत्ता में बिल्डर ने अपने, वो भी यहाँ पढ़े, उनका ननियाल भी यहीं था। तो बाहर के दूर दूर के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, क्योंकि यहाँ जो अध्यापक नियुक्त किए वो बाहर से अच्छे अच्छे अध्यापक लाए, यूपी से। यहाँ बनेड़ा में वो उत्थान नहीं है जो पहले शिक्षा के प्रति भावना थी, संबंध था, वो पहले बहुत यहाँ शिक्षित व्यक्ति निकले, अब शिक्षा के अंदर बनेड़ा लगभग पिछड़ चुका है। हालांकि अभी वहाँ पे कॉलेज और मॉडल स्कूल और IIT की बिल्डिंगें बन रही है, तो आशा है कि आने वाले समय में बनेड़ा वापस पुनः अपनी शिक्षा का जो है उसको रखेगा। शिक्षा जगत के साथ साथ खेल जगत में भी बनेड़ा ने लक्ष्मीलाल सोनी, इस्लाम खान एवं जानकीलाल जेनगर जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभावान वॉलीबॉल खिलाड़ी दिए हैं। यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों में कस्तूर चंद जी, ललित शंकर जी आचार्य, रामजस जी नवाल, स्वर्गीय माणिकराम जी नवाल के नाम प्रमुख हैं। पर्यटन की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से तथा व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से बनेड़ा हमेशा अग्रणी रहा है। बनेड़ा की सांस्कृतिक परंपराओं में गणगौर का त्यौहार व देव झूलनी एकादशी उल्लेखनीय है। गणगौर की सवारी बड़ी धूमधाम के साथ निकलती है। गांव के अनेक नर नारी सज धज कर उमंग व उत्साह के साथ इसमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार देव झूलनी एकादशी पर देव विमान निकलते हैं, जो मानकुंड पर एकत्रित होते हैं, जहाँ देव स्नान, पूजा अर्चना एवं भजन कीर्तन होते हैं। यहाँ का दशहरा मेला भी दर्शनीय है। तालाब के किनारे बनी रावण डोंगरी पर रावण का पुतला जलाया जाता है। बनेड़ा में रेजा बुनाई, जाजम बुनाई एवं रंगाई छपाई का काम तथा तेंदु पत्ते से बीड़ी बनाने का काम भी बड़े पैमाने पर होता रहा है। आसपास के इलाकों में यहाँ के रेजे और जाजम दरी की खूब मांग रहती है।
बचपन में जो बनेड़ा देखा था और आज जो बनेड़ा है उसमें कई बदलाव आ चुके हैं। और बनेड़ा में उस वक्त हम जब बचपन में थे तब दरबार की तरफ से स्ट्रीट लाइट का इंतजाम होता था, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट जलती थी, शाम को बहुत साफ़ सफाई तब रहती थी। आजकल उतना वो नहीं है और वहाँ के व्यक्तियों में आपस में बहुत स्नेह भावना का जो प्रोग्राम था उसमें भी काफ़ी अब कमी आई है। मेरा ये मानना है कि पहले बनेड़ा में जो रौनक और चहल पहल थी, आपसी सौहार्द था, उसमें कमी आई है। अब अधिकांश लोग जो बनेड़ा के हैं वो भीलवाड़ा या अन्यत्र चले गए हैं और अपने यहाँ कई मकान जो है सूने पड़े हुए हैं। बनेड़ा से करीब 4-5 किलोमीटर पहले मुख्य सड़क मार्ग पर कमालपुरा ग्राम के निकट एक तालाब के किनारे अजमुद्दीन बाबा की मजार बनी हुई है। तो इस प्रकार इतिहास, कला, संस्कृति और प्रकृति के संगम स्थल बनेड़ा की बात ही कुछ और है।